हाय गाइस, वेलकम टू माय घरेलू नुस्खे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी फुंसी फोड़ के लिए कुछ घरेलू टिप्स, जिसको अपनाकर आपको यदि फुंसी फोड़े हुए हैं तो उसका आप घर पर ही उपचार कर सकते हैं और उससे आपको इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। अक्सर क्या होता है, जैसे ही गर्मियाँ पड़नी शुरू हो जाती है, गर्मियाँ आनी शुरू हो जाती है, तो हमारे चेहरे पर, हमारी पूरी बॉडी पर बच्चों को फुंसियाँ निकलनी शुरू हो जाती है, पिंपल्स से परेशान हो जाते हैं। तो इन सब से निजात पाने के लिए आज आपको बताती हूँ कुछ टिप्स, जिसको आप घर पर ही कर सकते हैं। आपने लेनी है कुछ नीम की कुंपल, उनका एक पेस्ट बना लेना है और जहाँ पर आपको फुंसी हुई है वहाँ पर आप उसे लगाइए। दिन में 2 बार लगाइए, शाम को उसको लगा करके उस पेस्ट को वहाँ पे और सो जाइएगा। सुबह देखना आपकी वो फुंसी जो है मुंह मोड़ जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो 2-3 दिनों में ही ख़त्म हो जाएगी। इससे आपको निजात मिलेगी। दूसरी टिप्स है, जब आप सो करके उठते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो बासी थूक रहता है उसे लगाए, उससे भी आपको निजात मिलेगी और आपके फुंसी फोड़े ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम जो है मानते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते। तो आपने करना क्या है, नीम की कुछ पत्तियां लेनी है, उसको पानी में उबाल लेना है और उस पानी से ही बच्चों को नहलाना है जिनको फुंसी फोड़े हुए हैं, और उसी से ही नहाना है। इस तरह से आपको फुंसी फोड़े से निजात मिलेगी और राहत मिलेगी। ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।